हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉली ब्यूटी टिप्स। आज मैं आपके लिए जो रेमेडी लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, वो स्पेशल बालों के लिए है। आपने अक्सर देखा है कि बालों के अंदर हम कंडीशनर जरूर करते हैं, जब हम शैम्पू करते हैं तो उसके बाद कंडीशनर करते हैं ताकि बाल हमारे शाइनी हो जाएं। लेकिन आपको पता है कि बाजार का जो कंडीशनर होता है उसके अंदर केमिकल भी होते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे बालों को नुकसान भी पहुँचाते हैं। आज मैं आपको घर में कंडीशनर बनाना सिखा रही हूँ और आप देखेंगे कि बहुत ही ईजी है और बहुत ही पड़ता है ये, तो इसके इफेक्ट जो है बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये रेमेडी जो मैं लेकर आई हूँ ये आपको बहुत ही इजीली अपने घर में ही मिल जाएगी, इसके लिए आपको बाजार में स्पेशल ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। तो चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप घर बैठे मेरी हर रेमेडी का फायदा उठा सकें और आप इसे नोट भी कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे बनाया जाता है कंडीशनर। तो फ्रेंड्स, हमने एक कप पानी लिया है, आप देख रहे हैं सिंपल पानी है ये। इसे हम एक बाउल में डालेंगे, आप इसे नहाने वाले बर्तन के अंदर डाल सकते हैं, जो मग होता है नहाने वाले मग में डाल सकते हैं। और ये हमने लिया है विनेगर, 1/4 कप, 1 कप पानी के अंदर 1/4 कप विनेगर है। मैंने व्हाइट विनेगर लिया है बट आप एप्पल विनेगर भी यूज करें तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है, इससे भी अच्छा होगा। अगर आपके पास व्हाइट विनेगर घर में पड़ा है तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं। दोनों चीजों को मैंने मिक्स कर दिया है, पानी और विनेगर को। इसे आपने क्या करना है कि जब आपने बालों को धोना है तो पहले आपने शैम्पू करना है। शैम्पू करने के बाद आपने इस तरह से मिक्स करके बालों के अंदर ये पानी डाल देना है जिसके अंदर विनेगर मिक्स होगा। उसके बाद आपने 3 से 4 मिनट के लिए बालों को ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल पानी से वॉश कर लेना है। तो आप देखेंगे कि आपके जो हेयर्स हैं बिल्कुल कंडीशनर हो गए हैं, बहुत ही अच्छे शाइनी, और इसका आपको कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। आप इसे यूज जरूर करें, एक तो ये बनाना बहुत आसान है और दूसरा इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आपके बाल इससे बहुत ही शाइनी और बहुत ही सिल्की लगेंगे। आप इसे वीक में 2 बार यूज करें अपने बालों के अंदर। ये हमारा कंडीशनर बनकर तैयार है। आप बॉटल में विनेगर डालकर अपने वॉशरूम में रख सकते हैं, जब भी आपने अपने बाल धोने हैं साथ के साथ आपने इस तरह से पानी के अंदर इसे मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी किसी भी रेमेडी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और हर रेमेडी का रिजल्ट आपको प्रॉपर मिलेगा। बट आपने इसे यूज बिल्कुल इसी ढंग से करना है जिस ढंग से मैं बताती हूँ आपको। मैं आपके लिए ऐसी ही रेमेडीज लेकर आती रहूंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में मुझे रिजल्ट जरूर बताएं। फ्रेंड्स, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो चलिए मैं आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।